Hello friends and my dear students, in this compiler design next lecture जो मैं explain करने वाला हूँ three address को जो intermediate code generation होता है तो उसके sequence में कि हम intermediate code जो है वो तीन तरीके से represent कर सकते हैं, जिसमें कि third जो type होता है वो three address code होता है। तो three address code particular हर एक statement के कैसे बनेंगे, तो उसी series में मैं पहला statement बताने जा रहा हूँ arithmetic expression, यानी arithmetic expression के लिए या statement के लिए थ्री एड्रेस कोड कैसे बनेगा, यानी उसका ट्रांसलेशन स्कीम कैसे लिखे कि थ्री एड्रेस कोड उसके रिस्पेक्ट में जनरेट हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम थ्री एड्रेस कोड के लिए जो ट्रांसलेशन स्कीम है उसके जो सिमेंटिक रूल्स है कैसे सिमेंटिक एक्शन कैसे बनेंगे वो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल। चलिए हम लोग देखते हैं, ये सबसे पहला बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है कि अगर हम ट्रांसलेशन स्कीम यानी सिंटेक्स डायरेक्टेड फॉर्म में जो डिफाइन किया गया है उसका ट्रांसलेटेड फॉर्म में अगर हमको कन्वर्शन करना है या उसका ट्रांसलेटेड वर्जन निकालना है तो दो तीन चीजों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। पहला चीज तो एट्रीब्यूट का ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके का एट्रीब्यूट होगा। तो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में से सीधी सीधी बात अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमको एक चीज हमको समझ में आता है कि एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारे पास वेल डिफाइंड जो वेरिएबल्स होता है उसी को ही हम ऑपरेट करते हैं। तो एरिथमेटिक एक्सप्रेशन में बेसिकली हमारे पास दो ऑपरेंड का होना चाहिए और ऑपरेंड में उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, और ऑपरेंड या तो कांस्टेंट फॉर्म में होगा या फिर वो वेरिएबल के फॉर्म में होगा जिसमें वो किसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ जो यूज होगा वो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट ही काफी है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एंड इट इज सफिशियंट टू हैंडल द ट्रांसलेशन स्कीम। तो इसीलिए हमारे पास दो तरीके का हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसमें बताया गया है कि ई डॉट प्लेस का हम नाम लेते हैं, जैसे ई डॉट वैल यूज करते थे यहाँ पे हम उसका नाम ले रहे हैं ट्रांसलेशन स्कीम में ई डॉट प्लेस। तो ये बताता है कि ये नेम दैट विल होल्ड द वैल्यू ऑफ ई, यानी मतलब वो जो हम वैल यूज करते थे यहाँ पे उसका नाम हमने प्लेस दे दिया। आप चाहे तो इसको वैल भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि एट्रीब्यूट का नाम आप अपने से दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बताया हूं उसी को ही आप फॉलो करो। आप अपने हिसाब से कोई एक सुटेबल नेम, नाम ऐसा भी होना चाहिए कि जो समझ में आए कि किस पर्पज के लिए ले रहे। और दूसरा जो होता है ई डॉट कोड का यूज कर रहे, यानी सेकेंड टाइप ऑफ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। सो ये बताता है सिक्वेंस ऑफ थ्री एड्रेस कोड स्टेटमेंट इवेल्युएटिंग ई। तो यानी ई डॉट कोड ये बता रहा है कि एक तरीके से सीक्वेंस ऑफ थ्री एड्रेस कोड क्या होगा जिसके बेस पर ई के मतलब एक ई जो होता है कितने सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो वो एक ई डॉट कोड, यानी ई डॉट कोड नथिंग बट एन कलेक्शन ऑफ मोर देन वन स्टेटमेंट कैन बी पॉसिबल। सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है, मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेटमेंट। सो उसके बाद हम नेक्स्ट एक फंक्शन का यूज करेंगे हर ट्रांसलेशन स्कीम में आगे जो भी हमारे पास देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में भी और इस वीडियोस में भी। तो उसमें हम देखेंगे जेन नाम का एक फंक्शन यूज करेंगे। जेन मतलब शॉर्ट फॉर्म है जनरेट करना। तो जेन टू प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ थ्री एड्रेस स्टेटमेंट, इसका मतलब है जब हम जेन यूज करेंगे तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यू जस्ट क्रिएट दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट एज इट इज, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आप उसको जनरेट कर दीजिए जिससे कि वो एग्जीक्यूशन में आ जाए। तो यही चीज को हम लोग जेन नाम के फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट कराते हैं। द स्टेटमेंट देमसेल्व्स आर केप्ट इन सम डेटा स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल गिवन लिस्ट में होगा, या एस डी टी ऑपरेशन डिस्क्राइब यूजिंग सुडो कोड, यानी या तो फिर सिंटैक्स एरर डेफिनेशन में कोई ऑपरेशन दिया हुआ है उसका एक सुडो कोड के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ये दो तरीके से हम जेन में जो चीज इंफॉर्मेशन देंगे वो चीज प्रोड्यूस हो जाएगा फाइनली। यहां पे आ जाते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, इसको हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद इसका जो फाइनल मैं आपको वर्जन बताऊंगा ट्रांसलेशन स्कीम का तो वो आपको और समझ में आ जाएगा। तो यहां पे एक जनरलाइज फॉर्म में बताया गया है, यहां पे मैंने एक ट्रांसलेशन स्कीम यानी सिंटेक्स डायरेक्टेड यानी कुछ सिंटेक्स लिखा हुआ है, इस सिंटेक्स के बेस पर इसका ट्रांसलेशन स्कीम। आप ट्रांसलेशन स्कीम इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं तो वो ट्रांसलेशन स्कीम कहलाता है, यानी अब ये फाइनल ट्रांसलेशन फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है, यानी इसके बेस पर कोड जनरेट हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड काम करने लगते हैं, यानी वी आर जस्ट अटैचिंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी इवेल्युएटेड, दिस काइंड ऑफ जो भी हमारे पास कोड है दैट विल बी इवेल्युएटेड या एग्जीक्यूटेड, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट करेगा।
तो ये चीजें करने के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन वैल्यूज दिए हुए हैं, ई ई वन एंड टी। ई वन इसलिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट ई और राइट ई के थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सके, इसलिए हमने इसको ई वन दिया, अदरवाइज ये ई कहलाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हम राइट हैंड साइड में ई वन लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये ई और ये ई जो अलग अलग सिंबॉल्स है, ये सेम सिंबॉल्स है, सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये राइट हैंड साइड में है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है। तो जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि जैसे मैं ई वन लिखा हूं तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये ई वन डॉट कोड है, यानी इसका मतलब है कि ये इस पर्टिकुलर राइट हैंड साइड को इवेल्युएट कर रहा है। तो सबसे पहला हमको क्या जरूरत पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब तक हम तैयार करके नहीं रखेंगे तब तक राइट हैंड साइड के वैल्यूज को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमको पहले जगह बनाना है तब जाके सामान को लाना है। तो इसका मतलब है कि सामान को लाने के बाद जगह बनाए, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम वी आर गोइंग टू जस्ट क्रिएट द फर्स्ट वेयर द वैल्यू विल बी स्टोर, यानी ई में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प, यानी न्यू टेम्प नाम का एक वैल्यू ये प्रोसीजर कॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं कि मुझे एक टेम्पररी लोकेशन दीजिए जहां पे मैं स्टोर करूंगा, फिर फाइनली मैं उसको सेंड करूंगा। तो ये करने के लिए हमने ई डॉट प्लेस में इसको यूज किया। अब जाते हैं कि इवन मतलब एक तरीके के सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। तो इवन कैन बी इवन डॉट कोड, जैसे मैंने अभी बताया था, जैसे पीछे यहां बताया था, इवन डॉट कोड का मतलब होता है इसमें सीक्वेंस ऑफ स्मॉल ऑपरेशंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं कि इवन जो होता है इसके छोटे छोटे ऑपरेशन दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल इवन में एक छोटा सा ऑपरेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इवन में है, और टी में जो होता है ए इंटू बी। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ कोड है दोनों में अलग अलग जगह अलग अलग सब एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो मैं उसको यही बोल रहा हूं कि इवन डॉट कोड पहले इवेलुएट होगा, फिर टी डॉट कोड इवेलुएट होगा, यानी वो आपस में अपने आप को इवेलुएट कर लेंगे। उसके बाद जो फाइनल वैल्यूज उसमें जनरेट होंगे, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी इवन में है, तो ये पहले इवेलुएट होगा, तो इसलिए मैंने उसको लिखा ई वन डॉट कोड। उसके बाद टी डॉट कोड यानी ए इंटू बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए इंटू बी पहले परफॉर्म होगा, उसकी जो वैल्यूज आएगी। तो ये दोनों वैल्यू इवेलुएट होने के लिए मैंने उसको रिप्रेजेंट किया ई वन डॉट कोड का मतलब हुआ ये इवेलुएट हो रहा है सिक्वेंस ऑफ उसके जो सब एक्सप्रेशन है या सब स्टेटमेंट है और इसके जो सब स्टेटमेंट है। अब जब दोनों फाइनल वैल्यूज हमको मिल जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास टेम्पररी स्टोरेज से वैल्यू मिल गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जहां स्टोर करना वो, तो ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू साइन लगा देंगे ई वन डॉट प्लेस, और तो इसका मतलब है सभी के प्लेस वैल्यूज यहाँ वैल्यूएट होंगे और वो वैल्यू यहाँ स्टोर। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जनरेट होना चाहिए। तो फिर मैं उसके सामने एक लगा दूंगा जन। तो ये जब जेन लगा देता है इसका मतलब है ये जो तीन स्टेटमेंट है ये एक्चुअली ये बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है और ये हो रहा है फोरग्राउंड में प्रोसेस। तो फोरग्राउंड मतलब ये एग्जैक्टली ये जनरेट होगा। तो जब ये जनरेट होगा तो इसका मतलब है कि हमारा फाइनल रिजल्ट जो होता है जो कंपाइलर डिजाइन के बाद जो इंस्ट्रक्शन जनरेट होगा वो ये वाला जनरेट होगा, ये बैकग्राउंड में काम करके इसका फाइनल वैल्यूज यहां जनरेट। तो यहां पे जो भी वैल्यूज होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इवन को इवेलुएट करने के बाद 50 आया और टी को इवेलुएट करने के बाद 40 आया, तो इसका मतलब है यहां पे क्या जनरेट हो जाएगा ई डॉट प्लेस, इसका मतलब है यहां पे जो मेमोरी लोकेशन वो, और यहां पे 50 प्लस 40 यानी ये फाइनली ये दिखेगा। हाँ आपको नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ उसमें इवेल्युएशन करके आप सिर्फ वैल्यूज दे रहे हो, लेकिन उसके अंदर के जो वैल्यूज है वो जनरेट करने के फाइनल कोड में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर जब फाइनल कोड बनता है वहां पे एग्जैक्टली उसके वैल्यूज के साथ फाइनल कोड बनता है जो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब उसी चीज को एक सिंपल से प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है उस चीज को एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कि सपोज कर लो हमारे पास ये कोई एक है, यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है प्रोसेस ट्रांसलेशन स्कीम दिया हुआ प्लस के लिए, सेम एज हमारा होगा इंटू के लिए, सेम एज इंटू के लिए ये होगा, सिर्फ ये प्लस की जगह इंटू आ जाएगा। अब उसी चीज को हम लोग देखते हैं जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ x इज इक्वल टू वाई इंटू टू प्लस जेड। तो इसका मतलब है देखिए कि यहाँ पे y इंटू टू यानी y इंटू टू इवन से रिप्रेजेंट हो रहा है और ये t जो होता है जेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसका मतलब है t में जो स्टेटमेंट है सिंगल स्टेटमेंट का है और इवन में दो स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है ये एक कोड से, तो इसका मतलब है पहले इवन कोड वैल्यूट होगा, तो यानी वाई इंटू टू वैल्यूज जो आएंगे वो वैल्यू जेड के साथ प्लस होगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका थ्री एड्रेस कोड कैसे बनेगा देखिए। तो एट ए टाइम जब हम किसी प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं थ्री एड्रेस कोड में, तो एक चीज ध्यान रखना पड़ता है, तीन चीजों की हमेशा ध्यान रखना है, आपको मेमोरी में रखना है। सबसे पहला कि कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा टेम्पररी में स्टोर किया जाता है ताकि उसका एक मेमोरी लोकेशन मिल सके और एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके, और दूसरा
कोई भी जैसे तीन स्टेट में यानी दो ऑपरेटर एक ही लाइन में यूज हुआ है तो वन एट अ टाइम ऑपरेटर हम इवेल्युएट करेंगे, यानी हम इस तरह से देखिए कैसे कर रहे हैं। तो यानी एट अ टाइम हम किसी एक ऑपरेटर को यूज करके टेम्पररी वेरिएबल का यूज करेंगे। और एक चीज और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा किसी भी इंटरमीडिएट जो वैल्यूज जनरेट हो रहा है या वैल्यूएट कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करेंगे पहले, उसके बाद फाइनली हम उसको सेंड करेंगे एक्चुअल वेरिएबल। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स है इसमें हमको वैल्यू ट्रांसफर करना है, तो वैल्यू आएगा राइट हैंड साइड से। तो कैसे आएगा, तो हमने पहले टू जो होता है टू को ट्रांसफर किया एक टेम्पररी वेरिएबल में, उसके बाद हमने देखा कि y इंटू टी वन यूज किया, यानी ये पहली वैल्यू, तो मैंने बोला वन एट ए टाइम ऑपरेटर एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसके लिए हमने टी टू में स्टोर कर दिया। अब टी टू का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं z के साथ प्लस करके फिर, तो यानी आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेटमेंट में तीन चीजों का ध्यान रखा गया, पहला तो है कि कॉन्स्टेंट को टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया गया, दूसरा वन एट ए टाइम किसी ऑपरेशन को परफॉर्म किया गया है, और तीसरा फाइनली जब हम वैल्यू को ट्रांसफर करते हैं तो इस तरह से जो टेम्पररी वेरिएबल है उसको ट्रांसफर करता है। तो यानी ये सीक्वेंस ऑफ कोड देखने से आपको एक आइडिया लग गया कि अगर इसका कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसको आप थ्री एड्रेस कोड में जब लिखेंगे तो एक साथ तीनों ऑपरेटर को ना लिख के अलग अलग लिखेंगे और कॉन्स्टेंट वैल्यू को हमेशा टेम्पररी में स्टोर करेंगे और फाइनली टेम्पररी वेरिएबल से वैल्यू ट्रांसफर होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब उसी को बेस करके हम थोड़ा सा फाइनली ये कंक्लूड कर देते हैं कि किस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आईडी होता है हमेशा, ये फाइनल है कि ये प्रोडक्शन सही है, अगर आप यहां पर ई लिखते तो गलत हो जाता क्योंकि कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में ई नहीं हो सकता, ई हमेशा राइट हैंड साइड में होता है और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज ए सिंगल वेरिएबल होता है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं एस प्रोडक्शन आईडी और इक्वल टू ई, तो यानी ई इवेलुएट होने के बाद वैल्यू आएगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह से उसको यूज करेंगे, तो हम ये बोल रहे हैं कि आईडी के लिए हम जो आईडी, आईडी मतलब एक वेरिएबल का नंबर है यानी एक वेरिएबल का नाम है यानी सिंबल टेबल में उसकी एंट्री है, तो हम क्या करते हैं कि लुकअप फंक्शन कॉल करके सिंबल टेबल से उस वेरिएबल का लोकेशन हम मंगा लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। तो पी में पॉइंटर स्टोर हो गया, अगर सपोज कर लो पी नॉट इक्वल टू नल, यानी अगर वैल्यू एक्सिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका एक पॉइंटर रिटर्न होगा, तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू नल होगा, और सपोज कर लो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसे वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो फिर एरर कराएगा, और उसके बाद जब सपोज कर लो एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम कोड जनरेट करेंगे, कोड में क्या होगा आईडी डॉट प्लेस इक्वल्स टू ई डॉट प्लेस, तो ये समझ में आ गया कि ये फाइनल कोड एग्जीक्यूशन में आ जाएगा, सेम एज मैंने तो ये आपको समझा दिया था। अब यहां पे आपको सीधी सीधी बात है, वहां पे मैंने कोड का इवैल्यूएशन बताया था, यहां आपको उसको करने की जरूरत नहीं है, यहां आपके पास फाइनली, अब जैसे मैं ये बोल रहा हूं यहां मैंने ये करना बताया था तो इस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए, अभी फिलहाल ये समझाने के लिए था कि ये कैसे होता है, एक जनरल आइडिया था कि किस तरह से काम करता है। अब आ जाते हैं कि फाइनली हमारे पास अगर हम किसी ग्रामर का ट्रांसलेशन स्कीम लिखते हैं यानी एरिथमेटिक प्लस के लिए लिखते हैं तो वो कैसे होगा, तो देखिए हम पहले टेम टी वन से गेट टेम्प कॉल किए, गेट टेम्प का मतलब होता है कि वो टेम्पररी वेरिएबल ओएस से डिमांड कर रहा है क्योंकि वहां पे हम पहले स्टोर करेंगे फिर उसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो ई है उसमें ट्रांसफर करेंगे, तो सबसे पहले हमने टी वन में मांगा, उसके बाद ये कोड एक्चुअल जनरेट होगा तो टी वन में स्टोर होगा, वो मैंने जैसे बताया कि किस तरह से हम टेम्पररी में स्टोर करते हैं, तो ई वन डॉट प्लेस एंड ई टू डॉट प्लेस, प्लेस का मतलब है वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां जैसे कोड का मतलब मैंने समझाया था, उस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए और इस चीज को फाइनलाइज मान लीजिए कि ऐसे जनरेट होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो T1 में कैलकुलेट होके स्टोर हुआ उसको हम थर्ड में स्टोर कर देते हैं यानी E.Place प्लेस में, तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन स्कीम, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन स्कीम। इसके बाद हमारे पास तीन और बचते हैं इनटू के लिए, इनटू के लिए भी सेम एज है, आप देख सकते हैं किस तरह से होता है, तो इसका मतलब है पहले टेम्पररी वेरिएबल कॉल करेंगे जो बैकग्राउंड में होता है, फिर उसके बाद जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है यानी एक्चुअल जो थ्री एड्रेस कोड रिप्रेजेंट होगा वो इस तरह से होगा, और यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे वैल्यू होगा, ये ट्रांसलेट होगा, यानी ये हमारा ट्रांसलेशन स्कीम होगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम कोड को जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया रहा है उसका कोड हम इसी के बेस पर लिखेंगे, और तो ये दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कि हमको शो करना होता है और ये बैकग्राउंड में यूज होता है। अब इसको हम यूटिलाइज करते हैं टी वन को, सेम एज जैसे ये होता है तो टी वन में डिमांड करेंगे, उसके बाद यूनरी माइनस जो होता है अनसाइन यूनरी माइनस बोलते हैं यू माइनस को, तो यूनरी माइनस जो होता है अटैच होके उसकी वैल्यू को ट्रांसफर करता है, फिर वो वैल्यू यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यानी वैल्यू की नेगेटिविटी को क्रिएट करता है, फिर उसके बाद वो ट्रांसफर हो जाता है, इसमें सीधे सीधा वैल्यू हम सेंड करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल सा एरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी होता है, जो भी प्रोडक्शन, तो बेसिक जो हमारे पास प्रोडक्शन होते हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंटेक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन स्कीम फॉर द एरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे काम करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और
सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे जो चैनल का नाम है यूट्यूब सॉरी ई टीचिंग गुरुकुल, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।